स्टार्स की शो में किसी के प्यार में सबसे पहले तो ईशान समझने वाले हैं सभी को चोर, जब तक कि ईशान के सामने ये सच नहीं आता कि उन्हीं के पापा यानी कि शांतनु भोसले ने ही सभी को रिकमेंड किया है और उन्होंने ही उनकी भोसले इंस्टीट्यूट में एंट्री करवाई है। वहीं अब हम देखने वाले हैं कि जब ईशान को ये शक होने लगेगा कि किसी और की नहीं बल्कि उनकी माँ ईशा भोसले की वजह से ही शांतनु भोसले ने कराई है सभी की कॉलेज में एंट्री, तब उनका गुस्सा फूटने वाला है और वो खुद ब खुद ये सच उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश करते नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि इस बीच वो देने वाले हैं शांतनु भोसले को एक धमकी भी कि अगर उन्होंने ये सच नहीं बताया तो वो सभी को पुलिस के हवाले कर देंगे। पर सच का अंदाजा तो ईशान को लग ही चुका है। अब उससे पहले कि वो सभी को कॉलेज से निकाले, वो होने वाले हैं सभी के टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस, क्योंकि सभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होने के बावजूद भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करती नजर आने वाली है और यही बात कहीं ना कहीं शांतनु भोसले कैसे पॉइंट की तरह रखते नजर आने वाले हैं ईशान के सामने, जिससे कि ईशान सभी के एडमिशन को मना ही ना कर पाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में ये अनजाने में की गई सभी से हुई मिस्टेक उनके लिए सही साबित हो जाएगी, लकी साबित हो जाएगी और मिल जाएगा भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन। जाने के लिए स्टार्स के शो में किसी के प्यार में कोलकाता देखते रहिए। चैनल मॉन्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।